हाय चैनल। आज हम बनाएंगे राजस्थानी लापसी। राजस्थानी लापसी राजस्थान की एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। हम इसको एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक वे में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं राजस्थानी लापसी। फ्रेंड, सबसे पहले हम लापसी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप किसी भी तरह का पैन ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप ऑफ घी। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है और अब हम घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। तो 3/4 कप हम घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं उसी बोल से जिसमें मैंने घी डाला था उसी बोल से मैं इसमें दलिया डालूंगी। तो दलिया यहाँ पे 125 ग्राम्स है। तो दलिया डाल देते हैं इसमें और इस दलिये को हम अच्छी तरीके से भून देते हैं जब तक ये सुनहरा ना हो जाए तब तक। गैस की फ्लेम हमने एकदम सिम पे रखी है और सिम आंच में हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दलिया थोड़ा सा सुनहरा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको दूसरी गैस में रख देते हैं और इस गैस में हम एक पतीला रख देते हैं। इसमें मैं डालूंगी 3 कप पानी। तो 125 ग्राम ऑफ दलिया के लिए हम 3 कप पानी का यूज़ करेंगे और पानी को हम अच्छी तरीके से बॉईल कर देंगे 2 और ये 3 कप। पानी को यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो पानी हमारे यहाँ पे बॉईल हो चुका है तो इसको मैं इस दूसरे गैस पे रख देती हूँ और इधर हमारा ये वाला दलिया वाला पैन रख देती हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें गरम गरम पानी डाल देंगे जो अभी हमने बॉईल किया था। तो सारा पानी नहीं डालेंगे, करीबन आधा ग्लास पानी मैं इस बर्तन में ही बचा के रखूँगी। तो इतना पानी डाल देंगे और इतने से पानी में हम को इधर रख देंगे और इस पानी में हम डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पे मैं इस बोइल के नाप का भरा हुआ गुड़ ले रही हूँ। ये भी करीबन 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम इसमें गुड़ और इसी गुड़ में इलायची पाउडर भी मिक्स है तो ये डाल रही हूँ दोनों। और अब हम गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। तो सिम में ये आराम से मेल्ट हो जाएगा और इसको हम अच्छी तरीके से स्टर कर देते हैं। अब करीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं और इसको हम सिम आंच में रहने देते हैं। और इस साइड पे हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गुड़ इतने में ही आराम से मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दलिया अच्छी तरीके से हो चुका है। ये देखिए, इसने सारा पानी पी लिया है और हमारा दलिया एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम सॉफ्टन हो गया है दलिया। तो अब इस टाइम में हम हमारा डालेंगे गुड़ का पानी। तो गुड़ के पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, इस वजह से हम गुड़ के पानी को छान के डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे गुड़ का पानी डाल देती हूँ और हम छान के इसलिए डाल रहे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ छन्नी में रह जाए और गंदगी इसमें जाए ना। अब हमने यहाँ पे गुड़ का पानी डाल दिया है। अब गुड़ का पानी डालने के बाद हम इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे सारे गुड़ का पानी दलिया के अंदर समा ना जाए। तो करीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको और अच्छे से पकाते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दलिये ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और जो हमारा गुड़ है वो हमारे दलिये के साथ एक समान हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रिच हो गई है और ये कम भी हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी लापसी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक सर्विंग प्लेट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लापसी बनकर तैयार है। लास्ट में मैं इसको गार्निश करूँगी पिसे हुए बादाम, काजू, किशमिश से और कुछ पिस्ता से। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं पर इससे शो भी बहुत अच्छा आएगा और दिखने में बहुत टेस्टी लगेगी, तो आप ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रोज़ पेटल है, इससे भी मैं इसको गार्निश कर देती हूँ। आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी राजस्थानी लापसी की रेसिपी बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, ये सभी को बहुत पसंद आएगी।
सो फ्रेंड्स, हमारी राजस्थानी लापसी बनकर तैयार है। आपने देखा ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, जैसे ही बनी तो लग रहा था कि हम इसको झट से खा लें। राजस्थान में लापसी हर शुभ अवसर में, होली, दिवाली, किसी भी पावन अवसर पे बनाई जाती है। चाहे तो आप लापसी का भोग भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। बाय, वापस मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ।